हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरा यूट्यूब चैनल बीटी फार्मिंग टीवी पे। ये मेरा पोल्ट्री का आप देख सकते हैं, आज 3 दिन हुआ है इनका, आज तीसरा दिन है। सो हमने आज इनको नॉर्मल पानी दिया है और पानी हम लोग गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, ये सर्दी का टाइम है तो इसलिए गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं। और दो चार चूजे को आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका ये पैर में ये विकलांग है, और एक दो देख सकते हैं आप। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इसका सांस लेने का तरीका आप देखिए, आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। तो मैं कह रहा था इसको कि आप देख सकते हैं इनको कि इसको इसके थोड़ा सांस लेने में इसको दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम अलग रखेंगे, अभी इसको हम अलग से रखेंगे और बाकी सब तो ठीक ही है। और दो चार मोर्टेलिटी हुआ है, सो नॉर्मली बात है, इतना होना नॉर्मल है। तीन का ही हुआ है आज, 3 दिन में 3 ही मरा है, बाकी सब ठीक ही है। और आप देख सकते हैं इनको, तो हम लोग कल से इनको बीमारेल और ऑस्टोबेट का इस्तेमाल करेंगे। सो बीमारेल और ऑस्टोबेट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, और वो भी रात के टाइम में देंगे, दिन को नहीं, दिन को सिर्फ नॉर्मल पानी ही देंगे। उसके बाद कैल्शियम का भी मेडिसिन यूज़ करेंगे और लीवर का भी मेडिसिन यूज़ करेंगे। 7 दिन बाद वैक्सीनेशन भी करेंगे। सो आपको सब कुछ मैं दिखाते ही जाऊंगा, कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे क्या नहीं। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। पिछले मेरा जो पोल्ट्री का जो चूजा लाया था मैं, उसमें CRD और इकोलाइट का प्रॉब्लम हो गया था, तो उम्मीद करूंगा इस बार ना हो, क्योंकि पिछली बार मेरा काफ़ी नुकसान हो गया था। तो आप देख सकते हैं इनको, सो इनके भी कुछ डाउट हो आपका मन में तो आप क्लियर कर सकते हैं मुझसे। और बड़ा आपका बड़ा मुर्गी में लोकल क्या हो या पोल्ट्री का किसी के भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करेंगे, मैं आपको 100% सोल्यूशन करके दूंगा। और ये पानी मैंने अभी दिया है, पानी खा रहे हैं, और खाना मैंने जो कल रात को ही दिया था वही है, अभी खाना नहीं देंगे क्योंकि खाना है अभी ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।